हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इवनिंग स्नैक्स के लिए यदि आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो तो आप मेरी ये क्रंची क्रिस्पी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पोहा और इस पोहे को आपको अच्छी तरीके से पानी से धो लेना है। तो मैंने यहाँ पे पोहे को अच्छी तरीके से पानी से धो लिया है और धोने के बाद में ये पानी आपको निकाल लेना है। मैंने पोहे में से पानी निकाल लिया है। अब इसके बाद में आपको थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल देना है ताकि जो पोहे हैं वो अच्छी तरीके से पानी में भीग जाए। और इसे अभी हमें 5 मिनट के लिए ढक्कन ढककर रख देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है, इसे गर्म कर लेना है और यहाँ पे आपको डालना है 1/2 कप बेसन। यहाँ पर आपको रेशो लेना है 1 कप पोहा और 1/2 कप बेसन। बेसन को आपको धीमी आंच में अच्छी तरीके से भून लेना है। तो दोस्तों, बेसन अब अच्छी तरीके से भून चुका है और जो पोहा है वो भी पानी में अच्छी तरीके से भीग चुका है। अब इसे भीगे हुए पोहे में जो हमने भुना हुआ बेसन था वो हमें डाल देना है। और इसके बाद में हमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देना है। इसके बाद में डालना है थोड़ा सा जीरा। उसके बाद में हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे स्वादानुसार नमक और आखिरी में डाल देंगे थोड़ा सा तेल। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में बिना पानी डाले आपको अब ये आटा लगा लेना है। जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं बस उसी तरीके से आपको सॉफ्ट आटा लगा लेना है। आपको पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पोहे में थोड़ा सा पानी रखा था, उसके अलावा हमने यहाँ पे प्याज डाले हैं तो प्याज भी अपना पानी छोड़ देगी, तो जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हमारा जो आटा लगकर तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है और तेल ऊपर से लगा दिया है ताकि जब हम इसके रोल बनाएंगे तब वो हाथ में चिपकेंगे नहीं। तो दोस्तों, आटा लगकर हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आटे में से थोड़ा सा एक पोर्शन ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लंबे आकार का रोल बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे राउंड बना सकते हैं, टिक्की का आकार दे सकते हैं, जिस तरीके से हम मुठिया बनाते हैं आप उस तरीके का शेप भी यहाँ पे इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, रोल बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद में अब इसे हम तेल में तल लेंगे। रोल को तलने के लिए मैंने पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके हम यहाँ पर इसे डाल देंगे। कढ़ाई में जितनी जगह हो उतने ही रोल डालें, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसे फ्राई करने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसके बाद में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं इसे फ्राई करना है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये स्नैक्स बहुत ही क्रंची बनते हैं, छोटे बच्चों को ये स्नैक्स ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे चाय के साथ में सर्व कर सकते हैं। यदि आपके घर में मेहमान आ गए हैं और आपके पास में कुछ भी बनाने के लिए नहीं है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। आपके मेहमानों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे किससे बनाया है। ये क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स आप टमाटो सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। इसे यदि आप चाइनीज़ फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसे सेज़वान सॉस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी सेज़वान सॉस के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।